असलम आज हम चिकन करेला बनाएंगे जो कि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी के साथ है जो कि कन्वेंशनल तरीके से करेले बनते हैं बिल्कुल भी वैसे नहीं है आपने इसके लिए क्या करना है बेबी करेलाज लेने हैं छोटे छोटे यानी कि बड़े नरम से जो बिल्कुल छोटे चोट छोटे करेले होते हैं और बाकी जो रेसिपी है वो भी, भी, भी बिल्कुल जो कन्वेंशनल रेसिपी है उससे डिफरेंट है लेकिन यकीन मानेगे इतने टेस्टी आपने लाइफ में पहले कभी ऐसे नहीं खाएंगे तो सिर्फ एक दफ़ा आप मेरे कहने पर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर आप मुझे दुआएं भी दीजिएगा मैंने छोटे छोटे करेले लिए आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर से ही इतने आ जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे नरम नरम जिसे बेबी करेलास कहते हैं इनको अच्छे से नमक के अंदर मैंने ना सोख करके पानी के अंदर रख लिया था आधा घंटे के लिए फिर अच्छे से मल के धो लिया और फिर इनको ऐसे ड्राई कर लिया फिर मैंने ऑयल लिया ऑयल लेके इनको फ्राई करने रख दिया क्योंकि ये छोटे छोटे से करेले इनको ना खोलने की जरूरत है लेकिन सिर्फ मेक श्योर कर लेंगे कहीं सुराख सुराख ना हो कोई कीड़ा शीड़ा ना हो ठीक है आपने ये करेलों को फ्राई करना शुरू कर दिया साथ आपने क्या किया अदरक लहसुन लिया उसको छील लिया उसको काट लिया और साथ में सुर्ख जो ड्राई मिर्च होती है वो और साथ में क्योंकि ड्राई मिर्च जो लंबी वाली होती है वो उसका टेस्ट खाने के अंदर जो फ्रेश करके आप जिसको ब्लेंड करते हैं अक्सर लोग उसको भिगा के भी रख देते हैं मैं तो ड्राई को ना बस क्रश करती हूँ और साथ में उसको ग्राइंड कर लेती हूँ या मसाला डालती हूँ या एज इट इज़ ही हाथ से तोड़ के डाल लेते हैं जो भी आपकी चॉइस है तो वो आपने उसका पेस्ट बना लेना है अदरक लहसन और उसका पेस्ट साथ ही आपने क्या करना है टमाटर लेने हैं दो बड़े मैंने अच्छे बड़े साइज के टमाटर लिए उनके स्लाइसिस करके रख लिए और साथ मैंने प्याज भी लिए उनके भी अच्छे से बारी, बारीक बारीक स्लाइसेस करके रख लिए ये चीज़ें जब आप सारी प्रिपेयर करके रख लेते हैं साथ चिकन लिया चिकन को भी अच्छे से धो के ग्रिल में मैंने आ, आ, ड्राई कर रख लिया क्योंकि जितना चिकन का अपना पानी होता है तो उतना वो टाइम लगता है उसको फ्राई होने में और और उसके बाद उसके अंदर ना वो जूसी या क्रिस्पीनेस नहीं रहती ड्राई हो जाता है इसलिए वो मेक श्योर किया करें कि जैसे ही आप चिकन धोएं उसको छाननी में या किसी चीज़ में रखें अब आप ये देख सकते हैं मैंने जो अदरक लहसन सब्स मिर्चें और ड्राइड रेड चिलीज़ सब्स मिर्च पीस के डालते हैं क्योंकि इसका अपना एक अरोमा होता है ग्रीन चिलीज़ का तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया उसके अंदर मैंने ये चिकन डाला ये जो साथ में हल्दी और नमक डाला हल्दी जो होता है कि वो आपके ना खाने में आ, आपकी हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है और बीच में उसका एक टेस्ट भी दे देती है तो जो ये जो मैंने जिंजर गार्लिक और रेड चिली और ग्रीन चिली का पेस्ट था वो डाल दिया तो ये चीज़ें डाल के और उसको हल्की आँच पर रख दिया द, दम पर दे के ढक्कन दे के ताकि वो आराम से चिकन जो है हल्का सा उसका पानी अपना भी निकलेगा और ये जितना जिंजर गार्लिक है इस ये भी है इसके अंदर अच्छे से वो रच बस जाएगा जो इसका जो मसाला होता है अदरक लहसन का और नमक जो होता है यानी कि बोटियाँ जो होती हैं चिकन के पीसेस वो आराम से मजे के सॉल्टी हो जाएंगे और फिर जब वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे राइट तो अभी साथ में हमने क्या करना है अदरक जैसे टमाटर हमने छः जो दो बड़े साइज़ के लिए थे उनके स्लाइसिस कर लिए थे इसी तरह से बड़ा साइज़ के प्याज लिया और उसके स्लाइस कर लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती प्याज और टमाटर तो है मेरे मीडियम ही होते हैं क्योंकि आपको पता है प्याज़ एक हिसाब की हर चीज़ अच्छी लगती है और जितना भी हम रिस्क को ज़्यादा करें पकेगा तो खा ही आ ही जाएगा लेकिन एक हिसाब से ही चीज़ें ठीक लगती हैं एक उनका एक रेशो बरकरार हो बैलेंसड ही चीज़ें ठीक थी, थी, लगती हैं तो चलिए अब देखते हैं अपने करेलों की क्या हालात तो वाक़ात हैं करेलों का हमने देखा कि एक साइड से वो गोल्डन होने शुरू हो गए या जो है आप कह रहे हैं फ्राई होने शुरू हो गए तो हमने उनकी साइड सिर्फ शिफ्ट करनी शुरू कर दी तो अब हमने मेक श्योर sure करना है कि अच्छे से जब तक ये सब तरफ से काले हो जाए और करेलों की खासियत होती है तो थी, कितने भी आप इसको फ्राई कर लें जैसे आप इसको सालन में डालते हैं प्याज टमाटर के साथ दम पे लगाते हैं ये दोबारा लाइव हो जाते हैं ये जाग उठते हैं ये ये खिल उठते हैं और इनका टेस्ट है और हमारे यहाँ ये जो छोटे छोटे करेले हैं ये तो इतने मज़े के हैं क्योंकि नमक से आपने इनको अच्छे से धो लिया है अगर आपको थोड़ा सा और भी वहम है कि आपके इधर स्प्रेश्रे ज़्यादा होते हैं तो आप हल्का सा मीठा सोडा भी बीच में डाल सकते हैं मैंने वैसे नहीं डाला था इसमें ऑनेस्टली मेन हम तो चिकन को देखते हैं कि देखिए इनमें पानी तो थो थोड़ा सा आया हुआ रह गया लेकिन एक हाफ कुक हो गया हाफ अभी रहता है हल्का हल्का पानी है तो उसको अच्छे से भून लेंगे ढक्कन उतार के साइड पर कर लिया क्योंकि चिकन का अंदर तक जो भी खून पानी वटैवर वटैवर होता है सब चीज़ें अच्छे से ख़त्म होगी और ये आप देखें गोल्डन कलर का इसमें कलर भी आना शुरू हो गया तो ये भूनने के ऊपर आ गया इस टाइम पर आपने इसके अंदर जो मसाला जार डाल देने बाकी जो तो बेसिक से होते हैं वो क्या है ज़ीरा पाउडर सूखा धनिया पाउडर और मैंने चाट मसाला और साथ में गरम मसाला डाला चाट मसाला जब भी करेले बनाते हैं तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ कभी कभी मैं उसमें भी डालती हूँ आमचूर पाउडर वो आपकी चॉइस है मैंने इसमें चाट मसाला डाला था तो वो डालें अगर आपके पास अनार दाना है तो भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने इस टाइम कुछ और नहीं डाला आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल इधर हमारे करेलों का शक्ल बनना शुरू हो गया है ये फ्राई होना शुरू हो गया आप देख सकते हैं और ये प्यारी प्यारी शक्ल इनकी आनी शुरू हो गई है और कुछ मग यकीन जाने इतने मज़े के हैं इनको ही अगर आप सिर्फ अदरक टम, प्याज टमाटर सुरख मिर्च और नमक के साथ सादी रोटी पे रख के भी खाएंगे तो इतने मज़े के लगेंगे अल्लाह ताला की सब्जियां और अल्लाह ताला की हैं हम कौन कौन सी चीज़ें जिसका शुक्र अदा करें ये इतनी मज़े की चीज़ें हैं और देखें कितने ममालिक हैं कितनी जगह ये चीज़ें बनती हैं हर एक कोई अब इसी एक ही सब्ज़ी को इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इतनी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के साथ खाता है और इंजॉय करता है अच्छा जो बीन मिर्च महल हमने जो अदरक लहसन का ज़ीरा पाउडर वग़ैरह डाले थे वो आप देख सकते हैं कि हमारा पानी अच्छे सा खुश्क हो गया बिल्कुल हो गया और ये हमारे जो फ्राइड करेले थे वो हमने इस टाइम इसमें ऐड कर दिए माजरत के साथ पीछे मेरी बेटी की आवाजें आ रही हैं तो ये जब हमने इसमें डाल दी तो साथ ही हमने जितने भी स्लाइस टमाटर थे स्लाइस प्याज थे और साथ में मैंने दो तीन ग्रीन चिलीस जी थी वो रखी थी वो डाल दी थी अब इनको अच्छे से टॉस कर लेंगे और इसके अंदर कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बस अच्छे से टॉस करके इनका अपना ही प्याज टमाटर का जो पानी होगा उसके दम में उसकी स्टीम में ये बकेंगे पकेंगे और इसको स्लो फ्लेम में कम अज कम आपने ट्वेंटी टू तो थर्टी मिनट रखना है सिर्फ आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जले ना तो इसमें पानी बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं होती राइट right? तो क्योंकि ये टमाटर के अपने पानी में बन जाएगा बस जैसे ही ये बन जाएगा क्योंकि करेले तो फ्राई हो ही चुके थे और उसमें भी जो चिकन था वो भी अच्छे से भुना गया था और अच्छे से पक गया था अपने पानी में भी जो अब कसर अगर रह भी गई होगी तो अब जो सिर्फ टेंडरनेस रहनी होगी तो वो करेले के अपने अपने जो इसका है चिकन और करेले एक दूसरे की सब्जी का अपना जो फ्लेवर्स हैं वो अपने आपस में इन्फ्यूज़ करेंगे और फिर ये बन जाएगी ये हमारे दम पे थे सब्जी आप देख सकते हैं ये पानी ऑयल अलग हो गया है और ज़बरदस्त है हमारा सालन बन गया